वो तब मिलेंगे हम फिर, ठीक है फिर, ठीक है फिर है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, बस सबसे बड़ी बात है धन्यवाद कि आप यहाँ आए। इतनी मैंने कहा आते ही नहीं आते, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ आ रखे तो मैंने कहा मैं कॉल करूंगी। हाँ बहुत कॉल किया हमारी बहन ने मुझे, तो मैंने कहा यार अब जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाना पड़ेगा, कुछ तो प्यार मिलता जब ना, जो इंसान अच्छा रहता ना तो उसके लिए बहुत ढेर सारा प्यार रख यार कसम से। मैंने कहा तूने दो रख दिया, मत रख से सुन तो मजाक नहीं कर रही है। कटहल का है, कटहल का ना यार, रहने दे, बहुत रख दिया। आपको कसम है भाई, जल्दी हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। कौन नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ दोबारा तिबारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी आदरी खादी के लिए इतनी सारी चीजें लगी हैं लाइन पे, कब तक खाएं भाई, मैं तो दिखा दिखा के थक भी गई हूँ, ये देख सकते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग, और मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज हम फिर से एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं, वो कब से मुझे फोन कर रहे थे कि जब यहाँ आ रहे हो तो जरूर हमारे घर भी आना। मैंने कहा जरूर आएंगे, तो अभी हुआ है टाइम, तो अभी थोड़ा मिलने चले जाते हैं उनको कंडोलिया ग्राउंड। तो केविन जब छोटा था ना यहाँ पे, तो केविन भी बहुत आता था खेलने के लिए। तो केविन तो सुबह भी आ रखा था ग्राउंड में, और उसने कहा कि मम्मी हमने बहुत सारा यहाँ पे अच्छे से खेल भी खेला यहाँ पे बच्चों के साथ, सुबह भी ऐसे आ रखे थे। आजकल छुट्टियाँ पड़ रखी है तो सब बच्चे आ रखे हैं ग्राउंड में। और केविन आया था आप सुबह यहाँ पे? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ बस यहाँ बैठ के परेड देखी। परेड देखी और इंडोर भी किया था आज केविन सुबह, है ना, बैडमिंटन खेलने के लिए। हाँ तो केविन यहाँ पे अपने कोच को मिलने गए हैं, पहले जो क्रिकेट के कोच थे केविन के यहाँ पे विकी सर, तो अपने सर से मिलने जा रखे हैं केविन। और भाई मैडम साहिबा, हेलो हाय, कैसे हो? अच्छा कहीं फ्रेंड मिल गई भाई, हम तो कब से बोल रहे पड़ोसी थे और फ्रेंड भी हैं, और सिर्फ मैसेज कर रहे हैं कि कहाँ हो कहाँ हो। चलो नीचे आई तो रहे हम, नीचे नीचे लेने आ रही मुझे अपने फ्रेंड के साथ। बहुत लंबी गप लगी हमारी, कई सालों की गप लगी। तो चलते हैं अब, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है? ठीक है आना नीचे। हाँ हाँ देखेंगे, ठीक है। तो पहुँच चुके हम अपनी छोटी बहन के घर पे, हम मतलब एक ही साइड के हैं, चमोली चमोली के, चमोली 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 के हैं, मिल रहे हैं पूरे छह साल बाद। सही बात है, जब मेरी लड़की एक साल की थी उस टाइम भी यहीं पे बाहर में, यहीं पे बाहर पे हुई थी हमारी मुलाकात कुसुम के, है ना। हाँ कुसुम तब देखा था हमने, तो आए बड़ी मुश्किल से, आ जाओ आ जाओ। बहुत बार फोन किया यार, देखो तुम, मैंने कहा ये होता रिश्ता, जबकि मैं उसको भी बोलती, मैंने कहा मैं बहुत कम मिली हूँ उनसे ना, मैंने कहा आएंगे नहीं ना, तो हो गया समझो, तो तब तो पता नहीं। मैं बोल रही मैं आज सोई भी नहीं पता। अरे मैंने कहा तुम मत यार, मैंने कहा यार चलो फिर, सीमा को बोल रही थी, मैंने कहा सीमा मैं एक ही बार मिली हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं चलते हैं। सीमा ने कहा नहीं यार, देख रहती हूँ उस चक्कर में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छी वीडियो है, और आपका व्यवहार जो है ना बहुत ही बेस्ट है बस सच में। छोटों के साथ छोटों के साथ, बड़ों के साथ बड़ों के हिसाब से, और अपना जो है मस्त है बिल्कुल, मिल लिए तो बस 100 में से 100%। और आप लोग भी प्लीज सपोर्ट कीजिएगा दीदी को, और वीडियो देखिएगा, और कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे उत्तराखंड वाले जितने भी हैं, जहाँ तक जितना होता है, जितने भी उत्तराखंड वाले ब्लॉगर है, अपने उत्तराखंड को सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ, मेरा ये कहना है। एक ही नहीं, सारे उत्तराखंड का जितने भी हैं, बहुत मेहनत करते लोग, बहुत बड़ी बात है ब्लॉगिंग करना। लोग बोलते हैं ना फोन पकड़ते हैं क्या, कौन सा उतनी बड़ी बात है, लेकिन जिनके फोन सबके पास है, लेकिन ब्लॉगिंग करना बहुत टफ है और बहुत मेहनत है उसमें, इसलिए वही जानते हैं, वही जानते हैं जो कस्टमर देखते हैं कि वो चीजें हमें पता है ना। आप किसी के सामने, पब्लिक के सामने बात करना, कई चीजें हैं, हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन ये है जितना भी है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करो और खूब ढेर सारा प्यार दो। अरे बाबा बस, इसका मतलब डेली देखते हैं हमें रोज। मैं हमेशा मैं सर्च मार के भी देखती हूँ आज क्यों नहीं आया ब्लॉग, आज क्यों नहीं आया। और ऐसा है कि जैसे कोई नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम वो चीज नोट तो कर रहे हैं कि ब्लॉग देखे और नोट तो कर रहे हैं कि आपका ये चीज गलत है वो चीज सही है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग तो देख रहे हैं, चाहे वो गलत बोले या अच्छा बोले, अभी मेरे उसमें ऐसा कुछ नहीं आता, पर जैसे लोग आता होगा ना तो उसके लिए बोल रहे, जैसे बड़े बड़े जैसे कई रहते हैं अपने ही नहीं बढ़ाते आगे। सही बात, ब्लॉगिंग जैसे करो ना तो बाहर के करेंगे सपोर्ट, पर अपने बोलते ये बड़े ये कमाएगा, अरे कमाएगा तो तुमसे जुड़ा है भाई, तुम भी तो है। कोई बोलेगा यार तेरे रिश्तेदार है वो ब्लॉगर कर है, कुछ आगे है, कई चीजें हैं, तो इसलिए अपना नाम भी आता है, कहीं पे मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस एक हम ब्लॉगिंग के माध्यम से मिले, देखो डेली मेरी ब्लॉग देखते हैं, एक दिन का कनेक्शन भी अभी हम मिले,
और हमको अभी पूरे मतलब जितने जुड़ रखे हैं वो भी देखेंगे और जो नहीं जुड़ रखे वो भी देखेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा देखेंगे कुछ बुरा देखेंगे। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है दीदी को खूब ढेर सारा प्यार दो। इसने ना घर भी कितना अच्छा बना रखा है, बहुत प्यारा बना रखा है। ये छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी है। अब ये है कि सरकारी रूम ऐसे होते हैं, पर कोई बात नहीं, एक मेंटेन करना अलग बात होती है। बहुत अच्छे कर रखा है इसने, लगी हूँ अपनी तरफ से, बहुत खुशी बच्चों के साथ जितना होता है अपनी तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, बस धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है धन्यवाद कि आप यहाँ आए। इतनी मैंने कहा आते ही नहीं आते, लेकिन मुझे ये लगा आपकी रील देखी मैंने, मैंने सोचा कि आप पिछले साल की डाल रहे हो। जब मुझे पता चला कि यहाँ आ रखे तो मैंने कहा मैं कॉल करूंगी। हाँ, बहुत कॉल किया है हमारी बहन ने मुझे, तो मैंने कहा यार अब जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाना पड़ेगा, कुछ प्यार मिलता है जब ना। जो इंसान अच्छा रहता है ना तो उसके लिए बहुत ढेर सारा प्यार। अरे आप हमारी बहन हमारे लिए लाई जूस, क्या बोल रही, तो इसके लिए क्या बोल रही है, ये साड़ी बता रहा हूँ जी, गौर में लगी साड़ी बता ना, पंखा लगे पंखा उठाई छोड़े बस नीचे पौड़ी में यू है। इस समय बहुत गर्मी है पौड़ी में, वैसे पंखा आपको कहीं नहीं दिखेंगे, 25 से ऊपर कभी नहीं रहता पौड़ी का। हाँ। लेकिन इस बार 31, 32 हाँ। और बंदना भी यही मोहल्ले में रहती है बंदना भी। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी आदरी खादी के लिए इतनी सारी चीजें लगी हैं लाइन पे, कब तक खाएं भाई, मैं तो दिखा दिखा के थक भी गई हूँ। ये देख सकते हैं, और ये है हमारे, क्या बोल सकते हैं यार, सेवक हमेशा खड़े रहते हैं। कैरी मैंने कहा बैठ जा तू भी, कि नहीं कि हम खड़े रहते हैं, सेवक हैं। तो सुनो तो इतना कष्ट क्यों किया यार आपने बाबा, कब तक किया ये है? तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। हाँ। और सुबह भी किया था हमें फोन, हमें खाने पे बुलाया था, इतना अच्छा प्लान बना रखा था, अरे सारा पानी फेर दिया उसमें सच में यार। हम दो बहुत खुश होते कि कितने आए, मैं क्या तो बनाऊँ क्या तो खिलाऊंगी। तो कह रही कि हम कल भी देंगे तुम्हारे, तो इस पे ले जाना है घर अपने बल्ले का। इतना बड़ा दिल है तुम, यहाँ देखो तुम यार, हद हो गई। इतना बड़ा है, मैं इस पे ले जा रही हूं, मजाक नहीं यार, कई लोग गलत सोच देंगे इसमें। मैं पता और कुछ बनाने की सोच रही थी, तो मैंने कहा बच्चे आएंगे सब आएंगे, ताई जी आएंगी, मैं इस चक्कर में थी। अच्छा, हम किसी को लेके नहीं। अरे सब आ रखे थे, केविन भी आ गया था आधे रास्ते में, फिर आधे रास्ते में उसके कोच ने बोला कि नीचे घर ले जाना। अरे नहीं यार, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कम से कम याद तो करेगा हमें, इतनी बड़ी नौकरी की सर्विस है हमारी, कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। हाँ वो तो है ही, सही बात। हाँ हम कहीं ना कहीं जरूर जरूर मिलेंगे, सही बात। हाँ ऐसा जुड़ते रहो, संपर्क में रहो, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सही में आज तक जितने भी मिले बहुत अच्छे हैं। सच में बोली हूँ, लाइफ की एक जर्नी होती है, चार बुरे चार भले बोलते मिलते हैं, बाद में बोलते, लेकिन जिंदगी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत बुरे भी मिले होंगे, उनको हम नेगेटिव लाइफ में, हाँ हमें सब अच्छे मिले है, ये भी मेरा भी पॉइंट है कि जिंदगी जब तक है खुल के जियो, मैं भी मेरा भी यही सोचना है। कौन सी रील लास्ट रील आ जाए, ये पता बार बार क्या बोली, पता नहीं कौन से दिन लास्ट रील आ जाए, लास्ट रील छोड़ के चले गए यार, ये बार बार यही डायलॉग मार रही है यहाँ पे। जो है समय अपने पास खुल के जियो, खुल के जियो, मैं भी यही बोलती हूँ। हाँ, जो जो पल है एंजॉय करके रहो, बाकी तो कुछ नहीं है। इसके बाद किसने दिया, अभी थोड़ी देर बाद क्या हो क्या नहीं, नहीं सही बात। हमने कई बार फेस करा था, मैंने स्वयं इस चीज को फेस करा है कि मुझे 3-4 बार जीवन दान मिला है, इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने वो चीज फेस करी तो जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है मेरे लिए। रियल में मैंने 3-4 बार मुझे दोबारा जिंदगी मिली है, मर के जिंदा हुई हूँ, ये है। अच्छा, मैं उस चीज को डिटेल में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता पॉइंट, तो ये चीजें मैं तभी वो कह रहे कि खुल के जियो की। हाँ, है ना, और सही में बोल रहे, इसलिए खुल के जियो। मैंने जो देखा है वो समय बहुत बेकार था, और उस मुंह से आना वापिस आना बहुत मुश्किल होता है ना। और ये है कि अगर आप लोग अगर रील नहीं देख रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो, कोई बात नहीं, हमारी मेमोरी सेफ रहेगी। हाँ, बस मेरे मान रहे थे इस टाइम पे हम यहाँ गए थे, इनसे मिले थे, ऐसे रहे ऐसे रहे, इन फ्यूचर हम कभी अगर बूढ़े होने तक रह गए तो कम से कम हमें अपने, बस सही बात सही बात, सर्कल याद तो रहेगा, मेरा भी यही मानना है। और अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, मिलेंगे सही बात, भगवान ने चाहा। हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, सही बात, अपने बच्चों की खुशियों में मिलेंगे, सही बात, मिलेगा सब कुछ होगा। अभी तो इतने हमारे पास में ऐसा देखने को तो बहुत लंबी जिंदगी है, पर ये है कि ना, पर ये है कि सब ठीक है, सब ठीक है। तो चलो फिर आनंद लेते हैं यहाँ पर हम भी पकवान का।
यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसके घर का होम टूर बबीता के, जो कि यहाँ पर फर्स्ट कमरा ये है। बहुत सुंदर डेकोरेशन कर रखा है। और एक कमरा ये है इस साइड, बहुत सुंदर। बिल्कुल, क्योंकि तीन बच्चे हैं, मतलब एक देवरानी का बेटा भी है और दो अपने भी है। और बच्चों के साथ कैसा होता है, फैला फैला पर उसने ऐसे फिट बना रखा है घर, टिच विच। और इस साइड तो बहुत कुछ है अंदर, लैटरिंग। इस साइड है लैटरिन, बाथरूम, किचन और एक बरामदा। वह देख सकते हैं, मेरी बहन ने मेरे लिए नमक भी दे रखा है, जो कि ये बहुत, इसका नमक तो कहाँ कहाँ जाता है भाई, बहुत जगह जाता है ये। मतलब ये आम का अचार भी है, ये अचार भी बनाती है यहाँ पे, आपके तिमले का अचार, और ये तिमले का अचार भी है, हमारे कटहल का अचार, यहाँ देख सकते हो, ये बहुत सारे अचार बनाती है। और इसके अचार दूर दूर तक कहाँ कहाँ तक जाते हैं भाई, मिर्च का अचार है, दूर दूर तक कहाँ कहाँ जाते हैं ये, बहुत दूर तक, ये तो यहाँ जोशीमठ दिल्ली देहरादून तक चलेगी है। ये हमारा मिक्स अचार है, बाकी नींबू का है, बाकी डिमांड में बनता है, डिमांड में बनता है, जो भी है। अच्छा, तो देखो ये बहुत मेहनती है भाई कसम से। अरे मेरे लिए भी दे रही, इसमें इसने वो दे दिया है, क्या बोलते हैं इसको, इसमें मेरे लिए नमक दे दिया है, घर का सिलबट्टे का पीस हुआ, ठीक है। और इसमें बाकी आपको अचार दे रही है मेरे लिए की, सब कुछ ले जाऊंगी थोड़ा है। मैं मना कर रही थी, मैंने कहा रहने दिया, तू इतना मेहनत कर रही है, कह रही की थोड़ा सामान दे रही मेरे लिए, सारे घर के मसाले यूज, सारे घर के मसाले यूज है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर का केमिकल कुछ नहीं है। हमें रख यार कसम से, मैंने कहा तूने दो रख दिया, मत रख, सुन तो मजा सुनो तो सही, ये कटहल का है, कटहल का ना यार, रहने दे, बहुत रख दिया, आपको कसम है भाई, जल्दी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ दोबारा, ये कटहल का है, ठीक है। बहुत टेस्टी अचार बनाती है हमारी बहन, हमने थोड़ा टेस्ट भी किया था यहाँ पे, है ना, कहीं से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कुछ भी नहीं, हर चीज में एक्सपर्ट है वो तो, भयंकर है, हर चीज में एक्सपर्ट है, घास लकड़ी, ए वही भी ज्यादा ना बंद कर दे, ठीक है। हमारी तरफ से छोटी सी भेंट, छोटी सी भेंट, अरे यहाँ तो इतना बड़ा भेंट हो गया भाई, छोटी सी भेंट, मेहनत है, बताना है। हाँ, वहाँ से भी तुम्हारे ग्राहक और आ जाएंगे तब तो फिर, धन्यवाद धन्यवाद, अभी तो फिलहाल यहीं ग्राहक पूरे नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुके थे, हमने वहाँ पे चाय पानी पिए, और यहीं पर हमारी भतीजी रहती है सोनी, और थोड़ा सोनी से मिलने जाते हैं। तो ये है मेरी भतीजी सोनी। हाँ रे रामा, बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके भी, 2016 में मिले थे ना। हाँ तो ये पौड़ी आ गई है अब, हम पहले उस समय मिले थे, है ना, तो हम जूस और पानी और ये चीजें खा खा के थक गए हैं, और कुछ सेवा मत करना, ठीक है, हाँ, सुन, और कुछ चीज की सेवादारी मत करना, हमने बहुत खा दिया, ठीक है, गप सप लगाएंगे। ये हमारी ये नाती, हमारा नाती है, और ये है नाती, ये भी हमारे रिश्तेदार है बगल में। तो देखो तुम, हम यहाँ आके क्या क्या बन गई भाई, हीरो इधर तो देखो, ये मैं इसकी बूढ़ी हूँ, हाँ हीरो लगे हैं बच्चे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा गप सप मिली, और बैठे तो हम थोड़ा ही है, क्योंकि सभी जगह हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जाने के लिए, नाराज मत होना, ठीक है, नाराज जी। अरे क्योंकि थोड़ी सी आई, थोड़ी सी अब ध्यान बैठी, अंधेरा हो गया पता, बहुत हमने ऊपर जाना है, वहाँ बाघ की भी डर हो रही है पता, सच में बाघ डर, तमी चमी झूठ बन तुम, बाघ डर होने की नहीं होनी, पूरी होनी चाहिए, है ना, हाँ, तो जहाँ जाना उसको पता है कि वहाँ बाघ की डर है कि नहीं है, है ना, मिलेंगे हम फिर, ठीक है, फिर ठीक है, फिर बाय, पागल होने के लिए।